अमरकंटक से शुरू हुई शिक्षा बचाओ यात्रा टीकमगढ़ पहुंची। इस यात्रा में बताया गया कि कोरोना महामारी के चलते बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है, सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा बचाओ यात्रा में शामिल मोहनलाल नागवाणी और जुगल किशोर मिश्रा ने रामनिवास मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम में बताया कि छोटे बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास अपने ही उम्र के बच्चों के साथ कम से कम 6 घंटे प्रतिदिन रहने से होता है, और ऐसे में छोटे बच्चे 1 साल से अधिक समय से अपने घरों में हैं, जिससे उनके बाल मनोविज्ञान और सारे लेख विकास पर विपरीत प्रभाव नजर आ रहा है, जो बच्चों के साथ साथ देश और समाज के लिए घातक है। अब हमें कोरोना के साथ रहने की आदत डालनी होगी, इसलिए सरकार को 1 से 8वीं तक की संस्थाएं जून महीने में खोल देना चाहिए, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो। उन्होंने बताया स्कूल खोलने के आदेश राज्य सरकार को कलेक्टर को सौंप देना चाहिए और कलेक्टर अपने जिलों की स्थिति के अनुसार स्कूल संचालकों को स्कूल चलाने के आदेश दें। और मैं हमारे द्वारा शिक्षा बचाओ यात्रा माँ नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से 3 अप्रैल को प्रारंभ की गई। बच्चों की बचपन और शैक्षणिक गतिविधियां जो बंद पड़ी हुई हैं पिछले 1.25 साल से, उस विषय को लेकर हम समाज में चिंतन मनन और जागरण के लिए हम ये शिक्षा बचाओ यात्रा कर रहे हैं, जिसका मूल गर्भित तथ्य नागवानी जी आपको। अमरकंटक से हमने 3 तारीख को 3 अप्रैल को शुरू की है और ये कई जगहों से होते हुए लगभग 34 जिलों को टच करेगी और अंत में कटनी के पास भारत का केंद्र बिंदु है करौंदी, वहाँ पे समाप्त होगी। हम इस यात्रा के दौरान एक जन अभिमत को बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब हम कोरोना के साथ रहने के आदि हो गए हैं, तो वे हमारे छोटे बच्चों के लिए कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यालय आगामी सत्र से 15 जून से जरूर खोल दें। और इसके खोलने के पीछे तर्क ये है कि बाल मनोविज्ञान यह कहता है कि बच्चों में सर्वांगीण विकास हेतु उनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक विकास के लिए और सेंस ऑफ कंपटीशन के लिए उसे हम उम्र बच्चों के साथ दिन में कम से कम 6 घंटे उठना, बैठना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, झगड़ना जरूरी है, जो उसे केवल विद्यालय में मिल सकता है। दूसरी ओर जो इंटरनेट की पढ़ाई है उसके अपने फायदे और नुकसान हैं, वह दुधारी तलवार है। बच्चा उस इंटरनेट के मकड़ जाल में न जाने कहां किन गलियों में निकल जाएगा, हमें पता नहीं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।